स्वामी विवेकानंद का परिचय। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी सन 1863 को कोलकाता में हुआ था। उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनका पूरा नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस थे, उन्होंने ही उन्हें स्वामी विवेकानंद नाम दिया था। स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो में सन 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। विवेकानंद ने संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोप में हिंदू दर्शन के सिद्धांतों का प्रसार किया। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, जो आज भी अपना काम कर रहा है। हमारे देश में कई ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनके जीवन और विचार से हम सभी को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इन्हीं में से एक हैं स्वामी विवेकानंद। आज हम उनके अनमोल विचारों को आपके साथ साझा कर रहे हैं। आइए जानते हैं स्वामी विवेकानंद के ऐसे अनमोल विचार जो आपको जीवन में हौसला देंगे। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारी हैं। वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। सत्य को हजार तरीकों से बताया जा सकता है, फिर भी हर एक सत्य ही होगा। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए तो आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। पहले हर अच्छी बात का मजाक बनता है, फिर विरोध होता है और फिर उसे स्वीकार लिया जाता है। तुम्हें कोई पढ़ा नहीं सकता, कोई आध्यात्मिक नहीं बना सकता। तुमको सब कुछ खुद अंदर से सीखना है। आत्मा से अच्छा कोई शिक्षक नहीं है। यदि परिस्थितियों पर आपकी मजबूत पकड़ है तो जहर उगलने वाला भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कुछ मत पूछो, बदले में कुछ मत मांगो। जो देना है वो दो, वो तुम तक वापस आएगा, पर उसके बारे में अभी मत सोचो। हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है, इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। शब्द गौण हैं, विचार रहते हैं, वे दूर तक यात्रा करते हैं। एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों बार ठोकर खाने के बाद ही होता है। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाओगे। खुद को निर्बल मानोगे तो निर्बल और सबल मानोगे तो सबल ही बन जाओगे। शक्ति जीवन है, निर्बलता मृत्यु है। विस्तार जीवन है, संकुचन मृत्यु है। प्रेम जीवन है और द्वेष मृत्यु है। जो कुछ भी तुमको कमजोर बनाता है, शारीरिक, बौद्धिक या मानसिक, उसे जहर की तरह त्याग दो। जब लोग तुम्हें गाली दें तो तुम उन्हें आशीर्वाद दो। सोचो, तुम्हारे झूठे दंभ को बाहर निकाल कर वो तुम्हारी कितनी मदद कर रहे हैं। विश्व एक विशाल व्यायामशाला है जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। सच्ची सफलता और आनंद का सबसे बड़ा रहस्य यह है। वह पुरुष या स्त्री जो बदले में कुछ नहीं मांगता, पूर्ण रूप से निस्वार्थ व्यक्ति सबसे सफल हैं। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते, तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। यदि स्वयं में विश्वास करना और अधिक विस्तार से पढ़ाया और अभ्यास कराया गया होता तो मुझे यकीन है कि बुराइयों और दुख का एक बहुत बड़ा हिस्सा गायब हो गया होता।